हेलो गाइस, इस वीडियो में देखेंगे कि ऑडियो टैग को पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वीडियो टैग का यूज करके कैसे वीडियो को हमने प्ले किया था। इस वीडियो में देखेंगे ऑडियो टैग का यूज करके ऑडियो को प्ले करेंगे कि कैसे ऑडियो को हम चलाएंगे। तो सो गाइस, हमने बेसिक सिंटेक्स लिखा है पहले से, आपको बेसिक सिंटेक्स पहले ही बता चुके हैं। यदि आप बेसिक सिंटेक्स नहीं जानते हैं तो आप हमारा पहला का वीडियो जाके देखें। तो सो गाइस, चलते हैं हम अपने कोड पे, ऑडियो टैग का कैसे कोड लिखा जाएगा कि ऑडियो टैग हमारे ब्राउजर पर चलेगा। तो सो गाइस, हम लिखते हैं ऑडियो, ऑडियो लिखेंगे src इक्वल टू डबल कोड के अंदर, हमें जिस ऑडियो सॉन्ग को अपने वेब ब्राउजर पे चलाना होगा उसके नाम को और उसके एक्सटेंशन को इस डबल कोट के अंदर लिखेंगे और इसे क्लोज करेंगे और इसे ऑटो प्ले करेंगे। ऑटो प्ले के साथ साथ कंट्रोल्स भी लगाएंगे। सो गाइस, हम आपको बताते हैं कि इस ऑडियो टैग का यूज करके ऑडियो सॉन्ग को चलाने के लिए आप जिस जगह पर ऑडियो फाइल को, यानी कि हमारा H6 ऑडियो टैग नाम का एक है HTML का फाइल है, जिसके अंदर हमने ऑडियो टैग का कोड लिखा हुआ है। सो गाइस, या HTML फोल्डर के अंदर यह फाइल्स को सेव किए हैं और इसी के अंदर हमने हॉर्स नाम के एक ऑडियो सॉन्ग को हमने रखा है। इसको यदि आप अपने वेब ब्राउजर पर चलाना चाहते हैं तो इसके पाथ को हम यहाँ से राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके इसके नेम को कॉपी करेंगे और इसके एक्सटेंशन को देखेंगे। इसका एक्सटेंशन है .ogv और इसको यहाँ लिखेंगे डबल कोट के अंदर, हमने पहले से लिख चुका है। तो सो गाइस, इसे हम सेव करते हैं और अपने ब्राउजर रन करते हैं। इसे रन करने के लिए हम जहां पे अपने फाइल को सेव करेंगे उस फाइल के पाथ पे जाएंगे और राइट क्लिक करके ओपन विद करके आप इसे किसी भी ब्राउजर पर रन कर सकते हैं। चाहे तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पर या तो IDE पर। सो गाइस, कुछ ही ऐसे ब्राउजर होते हैं जो कि ऑडियो टैग को सपोर्ट करते हैं। सो गाइस, हम इसे गूगल क्रोम पे चलाकर देखते हैं। तो सो गाइस, हमारा यहाँ पे ऑडियो साउंड का इमेज बनकर आ गया। तो सो गाइस, हम चलते हैं इसे ओपन करते हैं। तो सो गाइस, यहाँ पे हमारा ऑडियो जो साउंड था यहाँ पे प्ले हुआ है। तो आई होप गाइस आपको यह कोड समझ आया हो कि कैसे ऑडियो टैग के कोड को लिखा जाएगा और ऑडियो फाइल को कहाँ पे किस फोल्डर